अच्छा जी, आज हम सीखेंगे कि हमने 25 पैरेट्स के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है ब्रीडिंग पर्पस के लिए, और किस चीज़ में हम उसमें फ़ायदे में रह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शर्जील है और आप देख रहे हैं ऐसे पेट हाउस। आज का टॉपिक हमारा है कि 25 पैरेट्स की ब्रीडिंग के लिए हम किस चीज़ का बेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं और किस चीज़ का नहीं कर सकते। अच्छा जी, इधर आए, मैं आपको क्या कराता हूँ। एक उसमें एक बॉक्स इस्तेमाल होता है, ठीक है, उसमें एक ये डोली है कि ये आम पर्पस में ये चीज़ इस्तेमाल हो रही है, एक ये बड़ी डोली है, ठीक है। अब इसमें हमने सबसे पहला ये ख्याल करना है कि हमने जहाँ से अभी हमने पेयर जहाँ से 25 पैरेट्स के लिए वहाँ पे क्या चीज़ लगी है थी ब्रीडिंग पर्पस। सबसे पहले इस चीज़ का ख्याल करना है कि जहाँ से हमने 25 पैरेट्स जहाँ से ली हैं तो वहाँ पे क्या उन्होंने ब्रीडिंग के लिए क्या लगाया हुआ था। उन्होंने तो ब्रीडिंग के लिए इस तरह की मटकियाँ लगाई हुई थी, ठीक है। ये मटकी इस टाइम 80 से 100 रुपये की रेंज में मिल रही है, ठीक है। और इसमें एक बड़ी मटकी है जो हम इस्तेमाल करते रहे हैं। इस मटकी और इस मटकी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ये देखें। अच्छा, इसका साइज़ और इसकी साइज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है। अब इसमें खुली होती हैं और इसमें थोड़ी तंग। अगर जो 25 पैरेट्स हैं तो अच्छे बच्चे निकालते हैं, उसके लिए ये डोली बहुत बेस्ट है, ठीक है। और फिर इसके बाद अगर हम बॉक्स की तरफ जाएं तो बॉक्स भी 25 पैरेट्स के लिहाज से इतना बेस्ट नहीं है, लेकिन अगर बॉक्स भी लगाया जाए तो बॉक्स भी ठीक है 25 पैरेट के लिहाज से। लेकिन हमने सबसे पहला पॉइंट ये देखना है कि जहाँ से हमने 25 पैरेट्स ली हैं वहाँ पे जो मटकियाँ लगी हुई थी वो कौन सी लगी हुई थी। वहाँ पे हमने जो मटकी लगी हुई थी, अभी मैंने आपको चेक कराई है, वो छोटी मटकी वहाँ पे लगी हुई थी। तो अगर हम बॉक्स लगाते हैं तो वो 25 पैरेट पहले की मटकी में ले रहे हैं, तो इस वजह से वो बॉक्स में ब्रीडिंग इतनी जल्दी नहीं करेंगे, उनको इस चीज़ का ज़्यादा ख्याल नहीं होगा। करेंगे सही, लेकिन वो जो नए बार्ड्स होंगे वो उसमें जाएंगे, ज़्यादातर वो मटकी में ही खुश रहेंगे क्योंकि पहले लगी रही है, ठीक है। दूसरा फायदा ये है कि मटकी 25 पैरेट के लिहाज से अगर हम देखें तो बॉक्स की प्राइस जो सी है वो तकरीबन 800 रुपये है, 780 रुपये या 750 रुपये तक मिल रहा है, ठीक है। और जो मटकी की प्राइस है वो है 100 रुपीज़, 120, 150 रुपीज़। अगर इस पॉइंट लिहाज से हम देखें तो 25 पैरेट की इतनी प्राइस नहीं है, वो इस टाइम मार्केट में 400-500 रुपये मिल रहा है। तो अगर हम उस चीज़ के लिहाज से 25 की तरफ जाएँ तो हम 800 रुपये का बॉक्स कैसे लगा सकते हैं कि इतना बजट नहीं होता। तो इसके लिए हमने जो तय किया है कि वो हम मटकी ही लगाएंगे, तो इस उसकी वजह यह है कि हमें अपने बजट में रह के ही काम करना है। बॉक्स बेस्ट है, अगर वो बड़े बर्ड्स के लिए आप अगर इस्तेमाल करें तो बॉक्स सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। बड़े बर्ड्स होते हैं, उनके अफोर्डेबल होती है, क्योंकि वो एक पेयर अगर 10,000 रुपये का तो मटकी उसके लिए 800 रुपये की कुछ भी नहीं है। इसी तरह अगर हम 500 रुपये का पेयर 25 पैरेट का देखें तो उसमें जो आपका बॉक्स है वो 800 रुपये का है, तो वो आपका प्रॉफिटेबल नहीं है, वो नुकसानेबल है, ठीक है। इसी वजह से अगर हम मटकी देखें तो ये वाली मटकी सबसे बेस्ट है, ठीक है, बड़ी मटकी है, बॉक्स के लिहाज से इसमें स्पेस भी ज़्यादा है। अगर इसमें आपको ये दिखा सकें, ये देखें, इसमें स्पेस भी ज़्यादा है, तो उसके लिहाज से ये काफ़ी बड़ी और छोटी का फर्क हो सकता है। लेकिन अभी हम देखेंगे, अभी हमारे पास तो अभी थोड़ी पड़ी हुई हैं मटकियाँ पड़ी हुई हैं, तो हमने यहाँ पे जो मटकियाँ लगानी है वो बड़ी भी लगाएंगे, जो छोटी हो सकती है वो भी लगा देंगे। बॉक्स भी बीच में हमारे पास पड़े हुए हैं, हम यहाँ पे लगाएंगे। उसमें फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये है कि जो बर्ड्स मटकी में ब्रीड कर रहे थे वो मटकी में जल्दी जाएंगे और जल्दी ब्रीड कर देंगे, क्योंकि वो मटकी के लिए हुए हैं। और जो नए पट्टे हैं, जो हमारे पास नए पट्टे तैयार हो रहे हैं, वो अगर बॉक्स में भी जाना चाहते हैं तो बॉक्स में जाएंगे तो उसका टाइम थोड़ा सा, वो टाइम पीरियड ज़्यादा लेंगे। जो पहले के ब्रीडर हैं वो क्या नाम है, टाइम पीरियड का। तीसरे पॉइंट की तरफ हम जाते हैं बॉक्स में। तीसरा पॉइंट ये होता है कि बॉक्स में 25 पैरेट के लिहाज से 25 जो से होते हैं वो अंडे देते हैं, वो बॉक्स अंडे उसके आगे पीछे देते हैं। उसके लिए उसको फ्लैट बॉक्स होता है, जिस वजह से अंडे आगे पीछे हिलते रहते हैं, तो उसको वहाँ पे अंडे संभालने के लिए मुश्किल होती है। अगर आप मटकी में देखें तो मटकी में नीचे इस तरह जगह बनी होती है जिसमें अंडे एक तरफ रहते हैं, तो इसमें क्या है, 25 को इतना वो नहीं होता। और अगर इसके बाद चौथे पॉइंट की तरफ हम जाएँ, चौथा पॉइंट ये है कि अगर हम मटकी और उसमें देखें तो इसमें बच्चे जब पैदा होते हैं तो जो बॉक्स होता है वो फ्लैट होता है, तो जिस वजह से 25 के बच्चों में लेग इशू आ जाता है। आप अगर देखा होगा उनकी लेग खुल जाती है इस तरह, तो अगर उस लिहाज से देखिए तो उस लिहाज से भी 25 के लिए
बॉक्स नहीं तो मटकी सबसे ज़्यादा बेस्ट है, बजट के लिहाज से भी है और बहुत सारे प्रॉब्लम के लिहाज से मटकी सबसे ज़्यादा बेस्ट है बजिस के लिए। इंसान के जहन में बहुत सारी बातें होती हैं कि क्या चीज़ इस्तेमाल करें, क्या चीज़ इस्तेमाल करें, हर इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू अपना होता है। अब बजिस के लिहाज से अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि हमने मटकी को नहीं इस्तेमाल करना, हमने ज़्यादातर बॉक्स मटकी इस्तेमाल करनी है, बॉक्स इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। तो उसकी वजूहात मैंने आपको 3-4 बता दी हैं। अब अगर बड़े पैर की तरफ हम जाएंगे तो इंशाल्लाह हम उसमें बॉक्स की तरफ चले जाएंगे, लेकिन उसके पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाते हैं, बजिस के लिहाज से पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाते हैं। लेकिन हर इंसान का माइंड ऑफ अपना है, वो अपने माइंड से सोचता है और अपने माइंड के लिहाज से ही तरतीब देता है। आज की वीडियो का पॉइंट हमारा ये था कि हमने बजिस पैरट्स के लिहाज से जो चीज़ हमने इस्तेमाल करनी है वो मटकी इस्तेमाल करनी है या बॉक्स इस्तेमाल करना है। इसके 3-4 पॉइंट हैं, इसमें इतना वो बड़ी पॉइंट नहीं हो सकता, ठीक है। बॉक्स में भी अच्छी ब्रीड आती है, मटकी में भी अच्छी ब्रीड आ सकती है, ठीक है। तो इसी पॉइंट्स के लिहाज से अगर हम बात करें तो हमारे लिए बेस्ट यही है कि हमने मटकी इस्तेमाल करनी है, पेमेंट के पैसों के लिहाज से भी बड़ी बजट में आती है और इतनी जल्दी ख़राब भी नहीं होती। तो इंशाल्लाह अभी 3-4 दिन 5 दिन है, हमने अपनी मटकियाँ पूरी करनी है, अपने उसमें ब्रीडिंग कॉलोनी में लगानी है। तो इंशाल्लाह हमें कितनी जल्दी रिजल्ट मिलेगा आपके साथ आपको शेयर करते रहेंगे। आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।